कन्हैया कुमार को पीटने में, गद्दारों की पिटाई करने में कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है किसी प्रकार का। तो बस एक ही पार्टी है जो कर सकती है विकास आपके साथ, ओनली मोदी, मोदी बस। पार्टी में नहीं है हम सिर्फ मोदी के फैन। अच्छा, मोदी के फैन है। पार्टी मतलब पार्टी से विकास होना हो लेकिन मोदी के फैन है। विकास यार, विकास विकास कौन है? नहीं मैं कह रहा हूँ विकास कौन सा विकास चाहिए बताओ आप पहले मेरे को। किस विकास की उम्मीद कर रहे हो बताओ आप? एक बात कह रहा हूँ, किस चीज को विकास कहते हुए बताओ? युवाओं को रोजगार चाहिए। मेरी बात सुनो मेरे भाई, जिस देश में बाल मजदूरी होती हो ना, तुम्हारा रोजगार की कमी नहीं है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, जिस देश में बाल मजदूरी हो रही है उस देश में क्या रोजगार नहीं है? ये कौन टोपी चुसा रहा भाई? राहुल गांधी के यहाँ से आए हो क्या? नहीं, राहुल गांधी के तो साहब विकास विकास जिस देश में 51 साल का युवा है तो मेरे भाई फिर 25 साल वाले क्या हैं? तो राहुल गांधी डंडा मारने की सीधे बात कर रहा है, 6 महीने बाद डंडे बजेंगे। मेरे भाई सुन मेरी बात, ये गलत फहमी है, कुत्ता बिल्ली पाड़ो, गलत फहमी मत पाड़ो। इनकी असलत पता चल चुकी है, जो जाके नेशनल टीवी पे बोल सकता है कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, वो देश का क्या भला करेगा? सिर्फ 12-15% वोटों के लिए जिए। कांग्रेस ने क्या किया? और सुन मेरी बात, कांग्रेस ने किस मुसलमान का भला कर दिया? आज तक इनसे पंचर ही लगवाए हैं। अगर भला करा होता, उनके लिए कुछ करा होता, तो आज वो भी भाई बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे होते। बिल्कुल, ठीक है ना। मेहनत करके ही कुछ देश में कमा सकता है मेरे भाई। और सरकार सरकार से सबसे पहली अपेक्षा की जाती है कि हमारा देश मजबूत हो, सुरक्षा मजबूत हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात होती है युवाओं पे मजबूती होनी चाहिए। देश की सेना मजबूत होगी, देश का युवा अपने आप ही मजबूत हो जाएगा भाई। और कहीं बेरोजगारी नहीं है, कहने की बातें हैं सब। देश में बच्चे बच्चे तो मजूरी कर रहे हैं, जिस देश में बाल मजूरी हो रही है वहां पे रोजगारी कमी है क्या? वो बेरोजगारों पुल के नीचे नजर आते हैं। वो एक ऐसी जमात पैदा कर दी कांग्रेस ने कि उनको सारी जिंदगी भीख ही मांगनी है, उनके आगे बच्चे पैदा होंगे वो भी भीख ही मांगेंगे, या इतने आदमी खड़े हैं भाई। और भाई सुन, सरकारी नौकरी कितनी मिल सकती है? सरकारी प्राइवेट नौकरी क्या कमी है मेरे भाई? और अपने काम धंधे में क्या रोड पे रेडी लगा खड़ा हो जाता है ना, वो भी महीने के 15-20 हजार रुपए कमा लेता है, और पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाओ। एक कांग्रेस के भी भैया नेता मिले थे, मैंने पूछ रहा था, खैर 15 लाख मांग रहे हैं आप बता रहे हैं भैया कुछ? कौन से 15 लाख? 15 लाख मांग रहे हैं भैया? भाई 15 छोड़, मेरे तो 15 लाख की जगह 15 करोड़ आ गए, हमारे तो 15 करोड़ आ गए। जो देश में इतने बड़े बड़े भाई हेलीकॉप्टर सेना के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट, नए नए हथियार, ठीक है, देश के लिए पनडुब्बी, फाइटर जेट, ये देश की सुरक्षा के लिए जो खरीद रहा है, हमारे 15 लाख की तो जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से राष्ट्रवाद और मोदी हित में मुद्दा भाई, राष्ट्र जो राष्ट्र की नहीं सोच सकता वो किसकी सोचेगा मेरे भाई? ये राष्ट्रवाद सीखना है तो भाई जापानियों से सीखो, ठीक है। देश के ऊपर परमाणु अटैक हो गया, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, फिर भी आज इतना ऊपर उठ के क्यों खड़ा है? सिर्फ राष्ट्रवाद की वजह से। राष्ट्रवाद मजबूत होगा, देश की पहले सोचेंगे, घर की बाद में सोचेंगे, तो देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। किसी के कहने से, बोलने से, सुनने से कुछ नहीं होता। 400 की सब्सिडी खत्म कर दी भाई। सुन तो ले, 200 यूनिट फ्री करी है, 201 होते ही वो एक यूनिट 600 रुपए की है। अगर 200 फ्री करी है तो 200 खत्म करके एक तो शुरू कर, 201 हो जाए ना, 200 बिल्कुल नील कर, फिर एक तो शुरू करके फिर बिल बढ़ना चाहिए। अब 201 होते ही 201 होते ही 600 रुपए बिल आ जाए तो मामा वो एक यूनिट 600 रुपए की है, 200 फ्री थी। यो सिर्फ बेवकूफ बना रहा है भाई। आईआईटी है, यो आईआईटी तो इसके भूपा है। अगर यो आईआईटी तो इसके भूपा है, यो मामा आईआईटी में 200 तो फ्री है, 201 यूनिट होती 600 रुपए बिल आ गया तो मामा वो एक यूनिट 600 रुपए की थी, 6 रुपए लेना उसके तू, तो उसके 600 क्यों ले रहा है? कुछ ना है भाई, जनता का बना रखा है ना बेवकूफ। और अनपढ़ और मूर्ख आदमी इसके बहकाए में चल रहा है। और पर सुन, और जो घना पढ़ा लिखा है, जो घना पढ़ा लिखा है ना, भारत देश में सबसे ज्यादा मूर्ख वो है इस टाइम। मारे कैसे मिडिल क्लास आदमी शाणे है। अरे भाई एक बात था, 700 साल का मुद्दा था राम मंदिर का, ठीक है, हर साल दिवाली मना ले अपने घर ने, समझ भाई, अपने घर बैठ कर सब दिवाली मना लेते हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। उस आदमी ने उसकी ताई जिसकी वजह से दिवाली मना है उसका घर बनवा दिया यार, और के चाहिए तारे घर।